अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मुमताज़ बात कर रहा हूँ। आज मेरी एक अजीज़ से बात हुई, वो अपने जॉब के सिलसिले में ना बाहर अब्रॉड होते हैं, तो अपने एक कलीग के साथ उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया है जो 6 मंथ एग्रीमेंट की है। लास्ट दिसंबर की एक सर्द रात थी, उसके फ्लैटमेट ने कहा कि मैं सैटरडे नाइट है, बताया था कि शायद 25 या 26 दिसंबर की रात थी। ये किस्सा जो है अभी यानी कि तकरीबन 1 महीना पुराना है। कहने लगा मेरा फ्लैटमेट जो है वो अपने दोस्तों के साथ मीटअप पे चला गया, ये कहकर कि मैं रात वहीं पर स्पेंड करूँगा। मैंने उसके जाने के बाद अकेला था फ्लैट पे, अपने रूम में लैपटॉप पे मूवी लगा ली और लैपटॉप जो है वो चेयर पे रख लिया और चेयर अपने बेड के करीब कर ली कि मूवी देखता रहूँगा, उसके बाद जब नींद आएगी तो सो जाऊँगा लैपटॉप बंद करके। उसको चेयर को इतना करीब कर लिया कि वो अपने हाथ की रेंज में कर लिया, ताकि वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है तो वो उसका हाथ पहुँच जाए। अभी तकरीबन कोई 40-50 मिनट की मूवी बताता है हुई थी, तो मैंने लगा मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कमरे में मेरे अलावा भी कोई मूवी देख रहा है या मौजूद हो। मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कौन हो सकता है, जो मेरा वो साथी था वो तो गया हुआ है अपने दोस्तों के साथ और तो कोई है नहीं इधर। तो मैं देखता रहा, मूवी देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एक खटका हुआ और मुझे अपने बैक साइड पे, जहां मैं लेटा हुआ था, तो अपने बेड के बैक साइड पे मुझे ऐसा लगा कि कोई खड़ा हुआ है। मैंने लेटे लेटे अपने गर्दन घुमा के देखी, कोई नजर नहीं आया। तो मैंने लैपटॉप को बंद किया और मैंने कहा थोड़ी देर बाहर जो है ना फ्रेश एयर में होके आता हूँ। जब मैंने लैपटॉप को बंद किया और मैं बाहर गया, 5-10 मिनट लगे होंगे, तो किस चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं वापस अपने रूम की तरफ आया, देखा तो जो चेयर थी वो नीचे गिरी हुई थी। माजी मुझे तशवीश हुई कि ये चेयर तो बिल्कुल ऐसी जगह पर रखी हुई थी कि नीचे गिरी नहीं सकती, सिवाय इसके कि कोई इसको गिराना ना चाहे खुद से। बहरहाल मैंने उस चेयर को उठा के एक जगह पर रख दिया जहां पर वो रखी हुई थी और लैपटॉप उठा के अपने बेड पर रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर मैं बाहर चला गया, चक्कर लगा कर आया तो मैंने कहा मैं सो जाता हूं। तो बेड पे लेटने से पहले मैंने कहा चेयर को थोड़ा सा पुश करके और अपनी जगह पर कर दूं ताकि मुझे बेड पर जाने की जगह मिल जाए। तो जब मैं उसको पुश करने लगा तो वो इतनी हैवी थी कि जैसे कोई बहुत ही कोई मोटा ताज़ा आदमी या कोई शख्स उस पर बैठा हुआ है, तो वो हिल नहीं रही थी मुझसे। तो जब मैंने उसको बाय फोर्स उसको पुश किया तो बिल्कुल एकदम वो रिलीज़ हो गई उसकी हैवीनेस और वो हल्की हो गई कि जैसे कोई शख्स उस पर पहले बैठा हुआ था। और जब मैंने पुश किया तो वो शख्स उठ के खड़ा हो गया, मतलब उसने चेयर छोड़ दी, वो चेयर बिल्कुल लूज हो गई। मैंने उसको अपनी तरफ कर दिया और मैं बेड पर लेट गया। जब मैं बेड पर लेट गया तो थोड़ी देर बाद
मुझे एक सरसराहट सी लगी कि जैसे कोई मतलब चीज हिल रही है अपनी जगह से। मैंने लेटे लेटे ब्लैंकेट से आंखें खोल के देखा, सर निकाल के, तो बिल्कुल चेयर के ऊपर मतलब जैसे कोई बैठा हुआ है, लेकिन पूरा उसका मतलब जिस्म नजर नहीं आ रहा। सिर्फ सबसे पहले मुझे दो आईज नजर आई जो रेड कलर की बटन की तरह चमक रही थी। जब मैंने अपनी आंखों को हाथों से मला और उस पर गौर कर किया तो पूरा एक ब्लैक शेडो था, एक ब्लैक शेडो मर्द जो गंजा, बाल उसके बिल्कुल नहीं थे, ब्लैक बिल्कुल हेड, और कलर उसका जो है ना बिल्कुल पेल हुआ वो था, जैसे खून इंसान के जिस्म से निकल जाता उस टाइप का। वो मुझे कमरे में इतना अंधेरा नहीं था कि नजर ना आए, थोड़ी सी लाइट जैसे बाहर से आ रही थी और उसमें वो नजर आया मुझे। कहता है मैंने आज मेरी तो जान ही निकल गई, ना मुझ में उठने की हिम्मत, बोलूं तो हलक से आवाज नहीं निकल रही, हलक मेरा खुश्क हो गया, लेकिन मैं करता क्या, मेरे में तो कोई और कहीं और जाने की हिम्मत थी नहीं। मैंने ब्लैंकेट लिया और सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू की। जब जोर जोर से मैंने कलमा पढ़ा और कुछ आयात पढ़ी तो थोड़ा सा मुझे डर जो है वो रिलीज हुआ, लेकिन फिर मैंने हल्के से ब्लैंकेट उठा के देखा कि वो शख्स अभी भी मौजूद है कमरे में या नहीं है, तो वो आईज मुझे नजर नहीं आई, वो जिस्म मुझे नजर नहीं आया कुर्सी के ऊपर। खैर मैंने जैसी तैसी वो रात गुजार दी। जब मैं सुबह उठाऊं मिनाज, मुझे सोते में नहीं पता चला, अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो मेरी बेहोशी थी या नींद थी, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली। लेकिन जब मैं सुबह उठाऊं और मिरर के सामने खड़ा हुआ तो मेरे गर्दन पे ब्लू कलर की पूरी लाइंस, जैसे किसी ने नाखूनों से स्क्रैच किया हो, मेरे चेहरे पे स्क्रैच। बहुत परेशान हुआ, अपनी वालदा को फ़ोन किया। वालदा ने कहा कि तुम फौरी तौर पर वो घर छोड़ दो। मैंने अपनी मदर को बताया कि मामा ये नहीं हो सकता, हमने इसी महीने जो है ना वो 6 महीने का एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर हमने इसको छोड़ा तो हमें पूरे 6 महीने का किराया जो है ना रेंट उसको पे करना पड़ेगा। खैर कोशिश करेंगे हम कि कुछ बात बन जाए। उसकी मदर ने कहा कि ठीक है तुम कोशिश करना और जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। नेक्स्ट डे उसका जो फ्लैटमेट था वो भी आ गया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन फिर वही सिलसिला जो पहली रात हुआ था। लेकिन इस दफा ना कुर्सी खटकी ना कुछ और, एक आवाज हुई। मैंने ब्लैंकेट उठाया, सर बाहर निकाला, देखा तो पूरा एक इंसानी जिस्म जो है ना मेरे सामने खड़ा है, और जिस्म वही है, वही ब्लैक हेड, पेल कलर, रेड आईज, और अच्छा खासा लंबा चौड़ा, क्योंकि पहले दिन वो नजर आया था कुर्सी पे बैठा हुआ, आज वो खड़ा हुआ नजर आ रहा था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैंने वही ब्लैंकेट लिया, उठा ब्लैंकेट अपने ऊपर लपेटा और बराबर वाले कमरे में, रूम में, अपने फ्लैटमेट जो था उसके पास चला गया। उसको जाके ये वाकया सुनाया, लेकिन उसने इतना इजी लिया, कहने लगा नहीं यार तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, जाओ तुम अपनी जगह पर जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मुझे जॉब पर जाना है। ये फिर वापस अपने रूम में आ गया। कहता है कि वैसे तो वो दिसंबर का महीना था और रूम टेम्परेचर जो हमने चेक किया था पहले वो 24 या 23 डिग्री था, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रूम में कोई 4-5 चिलर या कोई 4-5 2-2 टन के एसी चला दिए हों, इतनी ठंडक थी।
मेरी बाकायदा कपकपी बंधी हुई थी, मैं ब्लैंकेट में घुसा हुआ था लेकिन मुझसे सर्दी ना कंट्रोल नहीं हो रही थी, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी ठंडक थी उस वक्त। बोलने का मैं लेट गया, पूरी रात बेचैन रहा, कभी बाहर जाऊं बैल्कोनी में खड़े हो गए, फिर वापस आऊं फिर वही आवाज़ें, फिर वही चेहरा सामने। खैर मैंने जैसे तैसे जो है ना ब्लैंकेट लिया और लेट गया। कोई एक घंटा गुजरा होगा तो मेरे पैरों की तरफ ना, मेरे पैर पे किसी ने कोई चीज टच की। मैंने डर के मारे उसको देखा ही नहीं, फिर वो चीज ऐसा लगा जैसे वो जिस्म मेरे करीब आके लेट गया हो। जब मैंने करवट लेके देखी तो मेरा जो फ्लैट मेट था वो मेरे साथ आके लेट गया और वो थरथर थरथर कांप रहा था। हालत उसकी बुरी थी, हलक से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? उससे बात नहीं हुई, सिर्फ उसने ये कहा कि कोई मेरे कमरे में है, कोई मेरे रूम में है। मैंने कहा यार आप तो एतबार ही नहीं कर रहे थे। जब मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि ख्वाब देखा होगा, डरो मत यहीं लेटे रहो। उसकी तो हालत ही खराब थी। थोड़ी देर बाद वही शख्स, वही हैवला या वही जिस्म हमारे कमरे, मेरे कमरे में दाखिल होता है और हम दोनों ब्लैंकेट लेके बाहर की तरफ भागते हैं, अपने रूम से बाहर निकलते हैं, उसके बाद फ्लैट का दरवाजा खोल के फ्लैट से बाहर निकलते हैं और जो कॉमन टेरेस होता है सारे फ्लैट्स के बिल्डिंग का, वहाँ बाहर चौकीदार के लिए वो एक सोफा पड़ा हुआ था पुराना सा, पूरी रात हम दोनों उस सोफे पे बैठ के गुजार देते हैं और सुबह होते ही हम उसके ऑनर को टेलीफोन करते हैं। तो ऑनर यही कहता है आपको जो है ना वो रेंट पे करना पड़ेगा। हम उसको पूरा किस्सा बताते हैं, वो कहता है नहीं आपको रेंट पे करना पड़ेगा, सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ कि 6 मंथ की जगह 2 मंथ्स का मैं आपको रिलीव दूंगा, 4 मंथ का पे आप करें और आप घर छोड़ दें। हमने उसी दिन 4 महीने किराया पे किया, सामान उठाया और तीसरे किसी कुलीग की तरफ जहाँ वो रहता था वहाँ पर हम उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गए। और ये किस्सा है 25-26 दिसंबर लास्ट मंथ का। तो मैंने कहा मैं आपको सुनाऊंगा, तो आइंदा इंशाल्लाह आपसे बात होती रही है। अल्लाह हाफिज़।